कल यूएफसी फाइट नाइट होने वाली है और मेन इवेंट में मट्यूस गैमरोट वर्सेस हफायल फिजीव की फाइट होगी, जो लाइट वेट डिवीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट है। और आज की इस वीडियो में मैं इस फाइट का ब्रेकडाउन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किसको इस फाइट के अंदर एडवांटेज है, फिजीव अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, गैमरोट अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, और मेरी फाइनल इसके अंदर पिक क्या होगी, क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक स्ट्राइकर वर्सेज ग्रैपलर की फाइट होगी। स्ट्राइकर और रेसलर की जब भी फाइट होती है तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्टाइल कैसे मैचअप करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम हिंदी में यूएफसी की इस इंपॉर्टेंट फाइट का एनालिसिस ब्रेकडाउन करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक तो कर ही देना और नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल कमेंट करते हैं, जो कि मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। चलिए, अब यहां पर गैमरोट जो है उनकी रैंक है 6 और फिजीव की रैंक है 7। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ने जब अपनी पहली फाइट यूएफसी में की थी तो दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। अब गैमरोट जो है उन्होंने टोटल 7 फाइट कर ली हैं और फिजीव ने 8 फाइट कर ली हैं, जिसके अंदर ये दो दो बार हार चुके हैं यूएफसी में। अब यहाँ पर इनकी हार को देखना जरूरी हो जाता है। जब यहाँ पर गैमरोट ने एंट्री ली थी तो यहाँ पर स्प्लिट डिसीजन से ये हारे थे गुर्रम कुटलाजे से। लेकिन दूसरी तरफ जब फिजीव ने जो है एंट्री ली तो ये स्पिनिंग बैक किक और जो पंचेज है उसके कॉम्बो से नॉकआउट हो गए थे, टीकेओ कर दिया था इनको मागोमेडोव मुस्टाइव ने। तो यहाँ पर इन्होंने जो एंट्री ली यूएफसी में वो इनके लिए अच्छा नहीं रहा। अब यहाँ पर यूएफसी के अंदर पहले एंट्री ली फिजीव ने और उसके एक साल के बाद एंट्री ली 2020 में गैमरोट ने, तो एक साल सीनियर है फिजीव, और इसके चलते फिजीव ने 8 फाइट लड़ी हैं और गैमरोट ने 7 फाइट लड़ी हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है वो ये है कि ओवरऑल अगर आप इन दोनों का करियर देखेंगे तो इन दोनों के करियर में जो गैमरोट है वो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि गैमरोट ने अपने टोटल करियर में 24 प्रोफेशनल फाइट्स की हैं। कितनी? 24। और दूसरी तरफ फिजीव की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ 14 फाइट की हैं। अब जो ये गैमरोट हैं इन्होंने 22 विन के अंदर से 7 नॉकआउट, 5 सबमिशन और 10 डिसीजन विन ली हैं, तो ये एक तरीके से ऑलराउंड फाइटर हैं। लेकिन जो इनकी पेडिग्री है, जो इनका मेन टूल है, वो है इनकी रेसलिंग और स्क्रैम्बलिंग। देखिए, ग्रैपलिंग और स्क्रैम्बलिंग में फ़र्क होता है, ये एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इनकी स्क्रैम्बलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट फाइट अगर हम देखें तो जालिन टर्नर को इन्होंने स्प्लिट डिसीजन से हराया था, और उस फाइट के अंदर ये शुरुआत के 2 राउंड हार गए थे, लास्ट के 3 राउंड के अंदर इन्होंने क्या किया था, बाउंस बैक किया था। दूसरी तरफ फिजीव की अगर हम बात करें तो अपनी लास्ट फाइट के अंदर ये जस्टिन गेची से हार गए थे, और उस फाइट के अंदर उसका उल्टा हुआ, जैसा गैमरोट के साथ हुआ था उसका उल्टा हुआ, ये शुरू के 2 राउंड जीत गए थे लेकिन लास्ट के 3 राउंड जस्टिन गेची ने इनको जो है फिगर आउट करके इनको जो है स्ट्राइकिंग के दम पर हरा दिया। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा खड़ा ये होता है कि जब जस्टिन गेची अपनी रेसलिंग को सिर्फ ऑफेंसिव तरीके से यूज़ करते हैं तब भी उन्होंने फिजीव को जो है फिगर आउट कर लिया, तो क्या ये गैमरोट नहीं कर पाएंगे? दूसरी तरफ अगर मैं रीच की बात भी करूं तो रीच एक बात समझ लीजिए कि लगभग 5 इंच की रीच एडवांटेज होगी गैमरोट के पास, क्योंकि यहां पर 177.8 इंच की सेंटीमीटर की जो रीच है वो है इनके पास गैमरोट के पास, लेकिन 172.7 समथिंग जो है वो रीच है फिजीव की, तो ये रीच का जो डिफरेंस है ये भी काम आएगा। अब इस फाइट के अंदर एक चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि जो गैमरोट है वो अपनी रेसलिंग को, ऑफेंसिव रेसलिंग को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जो फिजीव हैं वो किस तरीके से अपने जो है अपनी इस फाइट के अंदर किस तरीके से अपने उन होल्स को कवर अप करते हैं जो उन्होंने एक्सपोज कर दिए थे जस्टिन गेची की फाइट में। क्योंकि जस्टिन गेची की फाइट में अगर आप देखोगे तो उनका गैस टैंक धीरे धीरे काफ़ी डिमिनिश हो गया था, और यहाँ पर जस्टिन गेची की फाइट से उन्होंने कई चीज़ें सीख भी ली होंगी, और अगर वो टेक डाउन डिफेंस जो है अपना मजबूत रखे और अपने गार्ड को जो है लूज ना रखें तो यहाँ पर जब भी मट्यूस गैमरोट उनकी तरफ शूट करें टेक डाउन करने के लिए तो टेक डाउन डिफेंस ऑन पॉइंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस को हमेशा मैनेज रखें। देखिए,
मेन चीज होगी गैमरोट के लिए कि गैमरोट या तो सिंगल लेग के लिए जाएं या फिर जब केज के पास हो तो डबल लेग के पास, जब डबल लेग की भी वो ट्राई कर सकते हैं। स्क्रैम्बलिंग उनकी बहुत तगड़ी है, वो सिंगल लेग के पास, सिंगल लेग पे जाके सीधा पीछे की तरफ ट्रांजिशन कर लेते हैं। ये उनकी सबसे खास बात है तगड़ी स्क्रैम्बलिंग होने की वजह से। जैसे ही सिंगल लेग टेक डाउन किया एकदम से वो पीछे आ जाते हैं, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा खड़े खड़े फ्लिप कर जाता है बैक पे, वैसे ही गैमरोट क्या करते हैं अपने रेसलिंग के दम पर पीछे से जो है एकदम से स्क्रैम्बल करके आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस फाइट के अंदर। अगर फिजीव को वो टेक डाउन कर लेते हैं तो उन्हें ग्राउंड के अंदर फिनिश करने की भी वो कोशिश करेंगे। गैस टैंक की अगर मैं बात करूं तो एनी डे गैमरोट का जो गैस टैंक है वो कहीं बेटर है। तो यहां पर अब स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर, ये हमारा अब सोचना है कि हम पिक किसे करें। देखिए ये फाइट है बिल्कुल 50-50, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें कि आपको एक जना पिक करना ही होगा तो मैं पिक करूंगा इसके अंदर मैट्यूस गैमरोट को। गैमरोट का कहना यह भी था कि मैं इस्लाम मखाचव से बेटर रेसलिंग करता हूं, तो ये बात कितनी ठीक है कितनी नहीं है ये हम किसी अगली वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस फाइट को अगर मैं देखूं तो ये फाइट जो है इन फाइटर्स को, जो भी जीतेगा फाइटर इसमें, उसको टाइटल पिक्चर के अंदर जो है एटलीस्ट पुश कर देगी। वो सिर्फ एक फाइट दूर रह जाएगा क्योंकि अब वो टॉप फाइव में चला जाएगा, और टॉप फाइव में जाने के बाद एक फाइट और जीतते ही टाइटल शॉट के लिए प्रमुख दावेदार बन जाएगा इन दोनों में से कोई। तो इन दोनों में मेरी पिक होगी मैट्यूस गैमरोट, और वो जीतेंगे किस तरीके से, या तो वो जीतेंगे डिसीजन से नहीं तो फिर सबमिशन से। आप क्या क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर मैं गलत यहां पर प्रूव हो जाता हूं तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य या फिर कोई भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये फाइट बिल्कुल टक्कर की है। और जहां तक मेरे एनालिसिस की बात है तो मेरा एनालिसिस मुझे यही कहता है कि गैस टैंक की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, या फिर मूव्स टू वॉच आउट फॉर की बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देते हैं मैट्यूस गैमरोट लगातार फाइट के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हुए, और लेटर राउंड्स के अंदर जो है बहुत ह्यूज डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। क्योंकि मैट्यूस गैमरोट ऐसे फाइटर हैं जो बाउंस बैक भी करते हैं। अगर आप गैमरोट को देखें, दो राउंड अगर वो पीछे बैक फुट पर आ भी जाएंगे तो नेक्स्ट तीन राउंड में वो ऐसे फाइटर हैं कि वो कमबैक कर लेते हैं। आप क्या क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।